गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास सिक्स हिंदी फर्स्ट चैप्टर 8 एक पिता को पत्र नामक पाठ के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग आप स्वयं करेंगे। अब इस चैप्टर को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। इस चैप्टर में पत्र के माध्यम से अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अध्यापक को पत्र लिखकर अपने बच्चे के चारित्रिक गुणों के विकास का दायित्व सौंप दिया था। यह पत्र एक पिता का संतान के प्रति कर्तव्य बोध को दर्शाता है। पत्र के माध्यम से अब्राहम शिक्षक से कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि सभी ना तो सही होते हैं और ना ही सच्चे, किंतु अच्छे और बुरे का ज्ञान आपको कराना है। समय चाहे कितना भी लगे, उसे यह अवश्य सिखाना कि खुद से कमाया हुआ एक डॉलर पाए हुए 5 डॉलरों से अधिक कीमती होता है। उसे जीवन में मिलने वाले हार को बर्दाश्त करना और जीत की खुशियां मनाना सिखाना। उसे किताबों में छिपे आश्चर्य तथा ज्ञान का खजाना दिखाना, ताकि वह आकाश में उड़ते पक्षियों के रहस्य, सूर्य की रोशनी में मधुमक्खियों की आवाज़ तथा हरी भरी पहाड़ियों पर खिले फूलों के बारे में चिंतन कर सके। उसे बताना कि धोखे से असफल होने की अपेक्षा असफल होना सम्मान की बात है। वह लकीर का फकीर बनकर निरर्थक प्रयास न करे। वह सनकी लोगों को हंसकर टाले, किंतु बहुत अधिक मीठा बोलने वालों से बचकर रहे। वह अपने बाहुबल और बुद्धिबल की कीमत पहचाने, किंतु अपने हृदय और आत्मा को न बेचे। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन सके। उसे सहानुभूति से समझाना, क्योंकि लोहा तपने से ही खड़ा होता है। उसे इतना साहस देना कि वक्त पड़ने पर वह धैर्यवान बन सके। उसमें सहनशीलता का गुण भरना, ताकि वह वीर बन सके। तुमसे मेरा विशेष अनुरोध है, क्योंकि मेरा बहुत छोटा सा साथी मेरा बेटा है। आइए हम इस चैप्टर के कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। आदरणीय राजनीतिज्ञों, खुशियाँ, आतंकित, भयाकुल, आश्चर्य, मधुमक्खियों, पहाड़ियों, सम्मानीय, निरर्थक, तत्पश्चात, अत्यधिक, कनखियों, बुद्धिबल, सहानुभूति, सहनशीलता। इस चैप्टर के शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। का, संसार के सभी व्यक्ति सही और सच्चे होते हैं, गलत हैं। खा, जीवन में धोखे से सफल होना सम्मानी होता है, ये भी गलत है। गा, सोना ताप पाकर ही शुद्ध होता है, सही है। घा, पीड़ा सह कर भी मुस्कुराना चाहिए, ये भी सही है। दूसरा, पाठ के आधार पर वाक्यों को क्रम से लगाइए। इसमें 5 वाक्य दिए हैं, जिसमें पहला क्रम में पहला वाक्य होगा उसे सिखाना
कि शत्रुओं के साथ साथ मित्र भी होते हैं, ये आपका पहला है। दूसरा, यदि उसे दिखा सको तो किताबों में छिपा आश्चर्य और ज्ञान का खजाना दिखाना। तीसरा, वह लकीर का फकीर और निरर्थक शोर करने वाली भीड़ के पीछे कदापि ना भागे। चौथा, वह अपने बाहुबल और बुद्धिबल की कीमत पहचाने, ये चौथा है। पांचवा, उसमें सहनशीलता का गुण भरना ताकि वह वीर बन सके। पांचवा, उपयुक्त शब्दों शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। का, लोग स्वार्थी राजनीतिक के साथ साथ डैश भी होते हैं। समर्पित नेता। का, दूसरों को आतंकित करने वाला कटाक्ष करने वाला डैश और डैश होता है। कमजोर और भयभीत। गा, धोखे से सफल होने की अपेक्षा डैश होना सम्मानी होता है। असफल। घा, डैश पाकर ही सोना शुद्ध होता है। ताप, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।